कुमार सिंह चौहान। माननीय वित्त मंत्री माइक मैं माननीय वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में और स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने बजट पर बात शुरू करूं इसके पहले अभी सदन में माननीय शशि थरूर जी ने बहुत सी बातें कही और उन्होंने कुछ लाइनें भी सुनाई। मैं भी दो लाइनें शशि थरूर जी के लिए सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। थरूर जी, ये बजट को लेके है, मुझे देखने से पहले साफ कर अपने आंखों की पुतलियां गालिब, मुझे देखने से पहले साफ कर अपने आंखों की पुतलियां गालिब, कहीं ढक ना दे मेरी अच्छाइयों को भी नजरों की ये गंदगी तेरी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, अब आगे बढ़ो। यह बजट गरीब गांव, गरीब और किसान का बजट है। सभापति महोदय, मैंने इस सदन में अनेक बजट प्रस्तुत होते हुए देखे। यह सदन इस बात से सहमत होगा कि आजादी के बाद इस देश के इतिहास में जितने बजट रखे गए उनमें यह बजट सर्वश्रेष्ठ बजट में शुमार होगा। यह बजट आर्थिक विकास के उड़ान का बजट है, देश के उड़ान का बजट है। माननीय थरूर जी अभी यहां पर कह रहे थे कि राजकोषीय उत्तरदायित्व का अभाव है। पुराने सरकार के समय से आज के सरकार की आर्थिक नीतियां विफल है। मैं ये कहना चाहता हूं सदन के सामने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जेटली जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है और विगत दो वर्ष में हमारे देश की जो वित्तीय स्थिति है उसका सिंहावलोकन करना होगा। आज पूरी दुनिया मंदी के चपेट में है, विश्व की आर्थिक विकास दर जो पहले 3.4 थी वो घटकर 3.1% रह गई। वहीं पर यूपीए के समय हिंदुस्तान की विकास दर 6.3% थी, वह आज बढ़कर 7.6% हो चुकी है। विश्व में देश की अर्थव्यवस्था, सभापति महोदय, अंगड़ाई ले रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज सभापति महोदय, ये सदन में जिस तरीके से चल रहा है, मान रखे अपना, हम नहीं बोलते, हम कभी नहीं बोलते। पान साहब बैठिए प्लीज।
अरे आप अपना दर्द बाद में बताइए, आप बैठ जाइए। सभापति महोदय, मान साहब बैठिए प्लीज। यूपीए सरकार के समय इसे बैठिए। सभापति महोदय रखें, यूपीए सरकार के समय रखें, मुद्रा स्फीति 9.4% थी, वह अब घटकर मात्र 5.4% रह गई है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूती का प्रमाण है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान मौजूदा सरकार के दौर में हमारे पास स्थापित है। मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी ने और जेटली जी ने पूरे देश से कहा है कि हम इस देश को विकास के रास्ते पे ले जाने में कोई कमी और कसर नहीं रखेंगे। इस तरह बुनेंगे हम देश के विकास के धागे, इस तरह बुनेंगे हम देश के विकास के धागे कि अच्छों अच्छों को झुकना पड़ेगा हिंदुस्तान के आगे। ये साधारण बात नहीं है। जिस रास्ते पे देश चल पड़ा है, आज पूरी दुनिया हमारे हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, यह बजट किसानों का बजट है, गांव का बजट है, गरीबों का बजट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस देश की किसानों के सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी फसल बीमा योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। पूर्व के सरकार के समय की फसल बीमा योजना, यूपीए के समय में जो फसल बीमा योजना सभापति महोदय इस देश में लागू थी, आप भी साक्षी है उस बात के, सदन साक्षी है कि उस योजना में इतनी खामियां थी, इतनी कमियां थी कि किसान फसल का बीमा तो करता था लेकिन फसल का नुकसान होने पर उसको बीमे की राशि नहीं मिलती थी। और आज आज हमारे फसल बीमा योजना में आज की फसल बीमा योजना बैठिए प्लीज, मान साहब बैठिए, जो आने वाले रबी के समय से लागू होंगी, आप बाद में कह लीजिए ना, आप आने वाले रबी के समय में लागू होंगी मात्र, अरे मालूम है पंजाब में, सभापति महोदय आप जवाब दीजिए, नहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान से कम प्रीमियम की राशि ली जाएंगी। ये दुनिया के इतिहास में यह फसल बीमा योजना जो कम से कम प्रीमियम लेकर किसान के फसल का बीमा करेंगी, मात्र रबी की फसल में 1,00,000 रुपए के कवरेज के लिए 2,000 रुपए प्रीमियम लिया जाएगा और शेष प्रीमियम राज्य सरकार और भारत सरकार भरेंगी। और कोई कैपिंग नहीं है, जितने आपके फसल का एवरेज मूल्य बनेगा उतने का बीमा होगा। यूपीए के समय जो फसल बीमा योजना थी सभापति महोदय, मैं भी किसान हूं, उस समय में फसल का बीमा नहीं होता था, लिए हुए लोन का कर्ज का बीमा होता था, फसल बीमा उसमें शामिल नहीं था। इस बार पहली बार अब फसल का बीमा होगा और उसके लिए कोई कैपिंग नहीं है, जितनी आपकी फसल होगी उतने का बीमा होगा। यूपीए के समय पूर्व की फसल बीमा योजना का एक सबसे बड़ा दोष था, एक पर्टिकुलर एरिया ब्लॉक में और तहसील में जब फसल खराब होंगी तब बीमे की राशि मिलेंगी। वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा लागू की गई फसल बीमा योजना में एक ग्राम के भी फसल की यदि नुकसानी हुई है तो उसमें फसल बीमा का लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओपनिंग कर रहा हूं और आप हमको बोलने दें, अब हर एक को बोलना है, नहीं सबको बोलना है, लोगों को बोलना है। मेरे पार्टी ने मेरे लिए समय दिया है, मेरे पार्टी के समय से अधिक समय नहीं लूंगा।
मेरे पार्टी के समय से मैं अधिक समय नहीं लूंगा। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसके तहत 28 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य इस बजट में रखा है, ये देश के इतिहास में एक बहुत मजबूत कदम किसानों के लिए, खेतीहर काम करने वाले लोगों के लिए उठाया गया। AIBP योजना इस देश में पहले से चल रही है, लेकिन सभापति महोदय, AIBP इरिगेशन स्कीम में 89 बड़ी सिंचाई योजना या तो अधूरी पड़ी है या बंद पड़ी है, उसमें लगे हुए पैसे का देश को रिटर्न नहीं मिल रहा है। इस सरकार ने तय किया है कि AIBP के तहत जो सिंचाई योजनाएं अपूर्ण है या बंद है, उसके लिए तेजी से उन योजनाओं को प्रारंभ करके और अधिक से अधिक सिंचाई का लाभ इस देश को दिलाया जाएगा। सभापति महोदय, हमारे इस वर्तमान सरकार ने कृषि कल्याण के लिए जो बजट था वो बजट पहले से दुगुना कर दिया है। 38,984 करोड़ का पहली बार कृषि कल्याण के लिए इस देश के बजट में प्रावधान हुआ है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, इस देश में सिंचाई, उसी पर किसान के उन्नति निर्भर है। किसान की आय हमने दुगुना करने का तय किया है। आने वाले 5 वर्ष में हम देश के किसान की आय दुगुना करेंगे, तो दुगुना करने के लिए उसको सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने, एक एक बूंद पानी को सहेज के रखने के लिए नाबार्ड की ओर से 20,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि से दीर्घ अवधि सिंचाई योजनाओं के लिए सिंचाई निधि का निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से आने वाले समय में इस देश में सिंचाई का क्षेत्र बहुत बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, 6,000 करोड़ रुपए हमारे देश का भूमिगत जल भंडार, हमारे देश के भूमिगत जल भंडार की अभी तक चिंता नहीं हुई। वो भूमिगत जल भंडार को सुरक्षित रखने के लिए, संवर्धित रखने के लिए हमारे इस बजट में 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, रिकॉर्ड पे नहीं आएगा, केवल उनके जिनको मैं अधिकृत क्या बोलने के लिए, जो भी माने सदस्य खड़े हैं या बोल रहे हैं तो कार्रवाई का ऐसा नहीं बनेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मनरेगा बोले प्लीज, पूर्व से लागू यह योजना है, अब हो गया ना, और इस योजना के माध्यम से आज इस सरकार ने तय किया है, मान साहब की देश में हम मनरेगा के राशि से स्थायी संपत्तियों का निर्माण करेंगे। छोड़ गए, अकेला रह गया, इनकी हालत अब आके आप बवाल मचाते बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, अनुराग जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, बैठिए, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपके माध्यम से हम बता देंगे, हम बता देंगे, नहीं सभापति महोदय, मौका आपका आएगा, मैं आज आपके माध्यम से मौका, अरे आप बोलेंगे बाद में, ये कहना चाहता हूँ, मौका मिलेगा आपको कि आज में मौका मिलेगा, बैठिएगा के माध्यम से नहीं बोलेंगे आप, हमारे आप जो भी कह रहे हैं कोई कार्रवाई का ऐसा नहीं बनेगा, प्लीज बैठ जाइए। राष्ट्र की स्थायी संपत्तियां निर्मित करने का निर्णय इस सरकार ने लिया है, मान गए आप भी, लगभग 5 लाख खेत तालाब, बैठ जाइए प्लीज, 5 लाख खेत तालाब इस देश में बनाने का निर्णय हुआ है और कुएं का निर्माण किया जाएगा। जैविक खाद के लिए सभापति महोदय, यही मनरेगा का पैसा जो राष्ट्र की स्थायी संपत्ति बने, इसलिए 10 लाख कंपोस्ट खाद के गड्ढे किसानों के द्वारा, किसानों को मनरेगा का पैसा देकर बनाए जाएंगे, ताकि इस देश में जैविक खेती की तरफ हमारा देश बढ़े। माननीय सभापति महोदय, इस देश में किसान फसल बोता था, लेकिन अपने फसल के लिए कौन सा खाद देना है, कौन से तत्वों की जमीन में कमी है, किस जमीन में क्या बोया जाना चाहिए, उसका उसको कोई ज्ञान नहीं था। सामान्य तौर पर
जैसा उसको समझता था वैसे खाद का उपयोग करता था सभापति महोदय। उससे किसान के धन की हानि होती थी। आज मोदी जी ने देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 14 करोड़ किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड बनेंगे और उसके माध्यम से किसान को ये समझ पैदा होगी कि खेत में क्या बोया जाए, किसान को ये समझ पैदा होगी कि खेत में कौन सा खाद डाला जाए। माननीय सभापति महोदय, ये सदन और ये पूरा देश इस बात का साक्षी है। यूपीए सरकार के समय इस देश में हमेशा यूरिया की किल्लत रहती थी, यूरिया के लिए लाठियां चलती थी, कई स्थानों पर तो यूरिया के अभाव में लूट होती थी, ट्रेनें लूट जाती थी, गोलियां तक चल गई। ये देश का माहौल था, क्योंकि उस समय में सभापति महोदय जो यूरिया था वो नीम कोटेड नहीं था, और नीम कोटेड जानबूझकर नहीं रखा गया था, जिसके कारण किसान के खेत में यूरिया नहीं पहुंचता था। बड़े बड़े धन्ना सेठों के फैक्ट्रियों में, केमिकल फैक्ट्रियों में यूरिया ब्लैक में चला जाता था और किसान यूरिया के लिए तरसता हुआ खड़ा होता था। एक उपाय खोजा गया और आज पूरे देश में नीम कोटेड यूरिया किसानों को देने के कारण देश के किसी कोने में यूरिया की कमी रही या यूरिया के लिए लाठियां चली, ये आपको सुनने को नहीं मिलेगा सभापति महोदय। सभापति महोदय, 17 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन बढ़ाया गया इस देश में। जो जमीनी काम होंगे उसी से तो परिणाम मिलेंगे सभापति महोदय, और जो अच्छा हो उसको अच्छा कहने का मादा भी इस देश में पैदा करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, यह बजट गरीबों का बजट है, यह बजट आम आदमी का बजट है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सभापति महोदय, इस देश में माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आजादी के बाद एक गरीब इंसान को 12 रुपए में एक वर्ष के लिए दुर्घटना का कवरेज मात्र 12 रुपए में देने की योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की, और 2 लाख रुपए यदि दुर्घटना में मौत होती है तो 2 लाख रुपया मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, 330 रुपए में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सामान्य व्यक्ति 330 रुपया भरे एक वर्ष के लिए, और उसकी किसी भी कारण से यदि मृत्यु होती है आत्महत्या को छोड़कर, चाहे बीमारी से हो चाहे दुर्घटना से हो, तो एक सामान्य आदमी को 2 लाख रुपए का कवरेज प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से मिल रहा है। यह कोई छोटी बात है, एक 12 रुपए में मेरे यहां के ऐसे दुर्घटनाग्रस्त लोगों को जो लाभ मिला है ये देश जानता है सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, देखिए इस यह देश कुछ मुट्ठी भर लोग भले ही अलग रहा चले, लेकिन मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता है कि आज देश मोदी जी की बात पर भरोसा करता है और मोदी जी के बात को मंत्र के रूप में स्वीकार करता है। इसके उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मोदी जी ने आह्वान किया देश की जनता से कि आओ देशवासियों, आप सबके खाते खोलो। प्रधानमंत्री जनधन योजना में इस देश में 21 करोड़ जनता ने खाते खोले हैं सभापति महोदय, ये विश्व में अपने आप का कीर्तिमान है, गिनीज बुक में यह नाम लिखा जा सकता है। और उसमें से 15 करोड़ खाते सभापति महोदय आज भी संचालित हो रहे हैं, और उन खातों में 32,000 करोड़ रुपया देश की गरीब जनता का जमा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के आह्वान पर
जमाना उठ के खड़ा होता है। इसका उदाहरण मैंने आपके सामने दिया, मुद्रा योजना। हमारे देश में जनता से आह्वान किया प्रधानमंत्री जी ने कि ओ देशवासियों, आज एलपीजी गैस पे आप संपन्न लोग जो सब्सिडी ले रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग जो सब्सिडी ले रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी ये सब्सिडी छोड़ दें, ये किसी गरीब के काम आएंगी। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री के आह्वान पर 65 लाख लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़कर इस देश में एक उदाहरण स्थापित किया है, एक उदाहरण स्थापित किया है। यह साधारण बात नहीं है। मेरे बचपन के समय में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय में देश में अनाज की कमी थी, देश से आह्वान किया था कि देशवासियों, अनाज के संकट से निपटने के लिए मैं देश से आह्वान करता हूं कि सप्ताह में एक दिन आप उपवास रखो। करोड़ों लोगों ने सोमवार के दिन एक समय का उपवास रखने की शुरुआत की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 65 लाख लोग सब्सिडी छोड़ देते हैं, 21 करोड़ लोग जनधन योजना में अपना खाता खोलते हैं, स्वच्छ भारत अभियान में प्रधानमंत्री के आह्वान पर लाखों लोग हाथ में झाड़ू उठाकर सफाई के लिए निकल पड़ते हैं। ये एक जन नेता का उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं। ये दृढ़ इच्छा शक्ति और जिसपे जमाना भरोसा करता है, ऐसे प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस देश में ये सारी चीजें घटित हो रही है। माननीय मोदी जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। माननीय सभापति महोदय, आज इस देश में आम आदमी के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसको आम आदमी महसूस कर रहा है, गरीब महसूस कर रहा है। 1 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा योजना इस देश के सामान्य व्यक्ति के लिए, यदि वो बीमार हो जाए और उसको अधिक धन की आवश्यकता हो तो धन के अभाव में उसकी मौत ना हो, इसलिए 1 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना की लॉन्चिंग इस बजट के माध्यम से देश के समस्त गरीबों के लिए की गई। यह कितना बड़ा कदम है। माननीय सभापति महोदय, इस देश में दवाइयों की कीमतें बहुत ज्यादा है। सामान्य मेडिकल स्टोर पर मिलने वाली दवाइयां इतनी महंगी होती है, आम आदमी के खरीद के सीमा के बाहर की होती है। सभापति महोदय, सभापति महोदय, आज मोदी जी ने उन गरीबों के लिए, उन शोषितों के लिए, उन अल्प आय के लोगों के लिए पूरे देश भर में 3000 मेडिकल स्टोर्स खोले जाने का, जहां पे जेनेरिक मेडिसिन मिलेंगी, जो गोली आज स्टोर पर 10 रुपए में मिलती है वहां पर वो मात्र 1 रुपए में गरीब को उपलब्ध होंगी, 1 रुपए में। ऐसे 3000 स्टोर देश भर के गरीबों के लिए खोले जाने का निर्णय ये सरकार का गरीबों के हक में उठा हुआ एक मजबूत कदम है। माननीय सभापति महोदय, आज ये सरकार जिस तेजी के साथ जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने 65 लाख लोगों से सब्सिडी जो छोड़ी उनको धन्यवाद दिया, लेकिन इस वर्ष से इस देश में बीपीएल में आने वाली उन परिवारों को, उन फैमिली को, 1.5 करोड़ लोगों को इस वर्ष लगभग बिना मूल्य के गैस कनेक्शन का कोई पैसा न लेते हुए, सिलेंडर की भी राशि न लेते हुए, सिर्फ चूल्हे की राशि लेकर गरीबों को, 1.5 करोड़ गरीबों को वो गैस दिलाने का निर्णय किया है। माननीय सभापति महोदय, ये गैस की कीमत वो समझेंगे जो गांव की महिला गीली लकड़ी लाकर और अपने घर पे खाना पकाती है, धुएं में उस महिला की आंखें खराब होती है,
चूल्हे से उठता हुआ धुआं उसके फेफड़ों को खा जाता है। आज उन गरीबों के लिए लगभग निशुल्क सिर्फ चूल्हे का मूल्य लिया जाएगा और 3 वर्ष में सभापति महोदय बीपीएल में गरीबी रेखा में आने वाले 5 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन ये सरकार देने जा रही है। ये गरीबों के हक में उठा हुआ एक कितना बड़ा कदम है। आज ये घोषणा के बाद गांव गांव में एक उमंग की लहर है। जनता कहती है कि प्रधानमंत्री गरीबों का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री दुखियों का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठकर दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर दूर दराज गांव में बैठे हुए गरीबों की चिंता करता है। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वच्छ भारत अभियान में सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए 4 लाख टॉयलेट बन गए। यह कुछ लोगों को छोटी चीज दिखाई देती है, लेकिन वो हमारी गांव की गरीबों की बेटियां जिनको स्कूल में टॉयलेट नहीं थे, और स्कूल में टॉयलेट नहीं है तो पेशाब को जाना है, मूत्र त्याग को जाना है, तो उस भय से वो बच्चियां पानी नहीं पीती थी। सभापति महोदय, दिन भर प्यासी बैठी रहती थी, दिन भर प्यासी बैठी रहती थी कि मैं पानी पीऊंगी तो मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा। पुरुष तो कहीं भी चला जाता है, महिलाओं के लिए जाने के लिए कठिनाई होती है, और इस कारण गांव की वो बेटियां स्कूल जाती थी सभापति महोदय स्कूल चलो अभियान के तहत, लेकिन पानी नहीं पीती थी। और कई एनजीओ के सर्वे में यह बात सामने आई कि गांव की कन्याएं, गांव की छात्राएं जो स्कूल पढ़ने जा रही है उनको किडनी की बीमारियां हो रही है, उनकी किडनी खराब हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि टॉयलेट नहीं है, और टॉयलेट नहीं है तो वो पानी नहीं पी रही है। उस गांव के बेटी की चिंता मेरे देश के प्रधानमंत्री ने यहां बैठकर की है। ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? एक एक बात पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहां से चिंतन करके, और माननीय सभापति महोदय एक काम और अच्छा हुआ है, यह सरकार आर्थिक विकास तो कर ही रही है लेकिन इसके माध्यम से सामाजिक विकास भी हो रहा है। सभापति महोदय, आज हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, पहले रेलवे स्टेशन पर जिंदगी, सभापति महोदय उसमें परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। एक तो जो आम साधारण व्यक्ति है, सफर करने वाला देश का नागरिक, अब उसमें जागरूकता आई है, वो ये सोचने लगा है सभापति महोदय कि मैं हाथ में झाड़ू उठाकर सफाई नहीं कर पाता हूं तो कम से कम देश के लिए इतना तो कर सकता हूं कि मेरी तरफ से मैं गंदगी को ना फैलाऊं। ये देश के नागरिक में आने वाली जागरूकता, उसके कारण हमको रेलवे स्टेशन साफ दिखाई देने लगे, उसके कारण बस स्टैंड साफ दिखाई देने लगे। ये सफाई का एहसास इस देश में रहने वाले हर इंसान को है, और ये सफाई, ये स्वच्छ भारत महलों में रहने वाले, बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रहने वाले लोगों को गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गंदगी उनको प्रभावित नहीं करती सभापति महोदय, क्योंकि वो घर से जब चलते हैं तो एसी कार में कांच बंद करके चलते हैं, और जिस मुकाम पे पहुंचते हैं तो बहुत अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे ही वो जाते हैं। ये गंदगी इस देश के वो करोड़ों गरीबों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती थी, ये गंदगी झुग्गियों में, झोपड़ियों में, बस्तियों में, मलिन बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बीमारियों का घर लेकर पहुंचती थी, ये गंदगी
करोड़ों लोगों को बीमार करती थी। तो गंदगी के खिलाफ अभियान, गंदगी के खिलाफ लड़ाई, ये स्वच्छ भारत अभियान को ये एक दल का अभियान नहीं है, ये किसी एक पार्टी का नहीं है, किसी एक राज्य का नहीं है। इस अभियान को प्रधानमंत्री ने देश का अभियान बनाया, हिंदुस्तान का अभियान बनाया। सभापति महोदय, सभापति महोदय, दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है, लेकिन जब स्वच्छ भारत मिशन अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया तो सबसे पहले झाड़ू अपने हाथ में उठाकर खुद सफाई करके और बाद में देश को उन्होंने आह्वान किया कि आओ देशवासियों, हमारे देश को स्वच्छ रखो। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, महात्मा गांधी की उस अवधारणा को उन्होंने स्वीकार किया। अच्छी चीज दुनिया में कहीं से भी यदि मिलती है तो उसको ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं है, यह हमारे प्रधानमंत्री का उदार दृष्टिकोण। और आज स्वच्छ भारत मिशन का जो लोगो है, स्वच्छ भारत मिशन का जो सिंबल है, स्वच्छ भारत मिशन का जो चिन्ह है सभापति महोदय, वो महात्मा गांधी का चश्मा है, गांधी के उस देश को हम साफ रखे, स्वच्छ रखे। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज देश बहुत तेजी से उड़ान ले रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जेटली जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, आप गांव के किसी भी कोने में चले जाओ, गांव का आम आदमी मैंने अपने जीवन में आज जितना खुश और प्रसन्न देखा है बजट को लेकर। मैं पांचवी बार इस सदन में, पवित्र सदन में सदस्य के रूप में आया हूं सभापति महोदय, लेकिन इस बजट को लेकर गांव में, किसानों में, गरीबों में जो एक खुशी का माहौल है वो मैं पहली बार देख रहा हूं अपने जीवन में। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ये तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, आगे फिल्म देखना बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आने वाले वक्त में वो सारी देश के हित में उठने वाले कदम इस देश को मजबूती के ओर ले जाने वाले होंगे। माननीय सभापति महोदय, इस देश की सेना के लिए वो जवान जो अपनी जान हथेली पर लेकर दुर्गम पहाड़ियों पर इस देश की रक्षा के लिए जूझता है, वो वहां पर खड़ा है इसलिए हम बेखौफ होकर यहां बैठे हैं। वो हमारा जवान सीमा पर तैनात है इसलिए हम रात को बेफिक्र होकर सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं। वो वहां खड़ा है इसलिए 125 करोड़ देशवासी एक आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी को जीते हैं। वो सेना के जवान जो सेवानिवृत्त हो गए, बरसों बरसों से एक ही मांग कर रहे थे इस देश से, इस देश के कर्णधारों से, कि हमने इस देश के खातिर गोलियां खाई है हमारे साथियों ने, जो बचकर आ गए आज वो सेवानिवृत्त हैं। किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, कोई जख्मी है या कोई स्वस्थ भी है। तो हमारी एक मांग है कि वन रैंक वन पेंशन योजना इस देश में लागू की जाए। सभापति महोदय, मैं पूर्व में भी इस सदन में रहा हूं, वन रैंक वन पेंशन की बात हमेशा यहां पर सदन के सदस्य, माननीय सदस्य उठाते रहे, लेकिन पूर्व की यूपीए सरकार एक ही बात जवाब में कहती थी कि एक वर्ष में 40,000 करोड़ रुपए का जो बर्डन आएगा वो बर्डन उठाने की ताकत देश के सरकार में नहीं है, दूसरे सब बर्डन उठा लिए जाएंगे और वो फौजियों का बर्डन उठाने की ताकत इनमें नहीं थी, उनके लिए तिजोरी नहीं खुल सकती थी,
उनके लिए खजाने पर ताला पड़ा था। नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए जूझने वाले, देश के लिए लड़ने वाले उस जवान की भी चिंता की और वन रैंक वन पेंशन योजना इस देश में लागू करके 30 साल पुरानी मांग, सभापति महोदय एक साल की नहीं है, ये दो साल की भी नहीं है, ये 10 साल की भी नहीं है, 30 साल पुरानी मांग को पूरा करके सेना के प्रति अपने श्रद्धा का प्रकटीकरण किया है और फौज के प्रति इस देश के दिल में सम्मान है, नेतृत्व के दिल में सम्मान है, 125 करोड़ जनता के दिल में सम्मान है, यह दिखाया। माननीय सभापति महोदय, कर्मचारियों के लिए भी सातवें वेतन आयोग के मामले में सरकार ने विचार किया है, युवाओं के रोजगार की बात, अभी थरूर जी अपने भाषण में कह रहे थे कि रोजगार के कोई अवसर प्रदान नहीं किए, वो माननीय सदन में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि विगत वर्ष सभापति महोदय, इंडियन हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में एक ही वर्ष में मुद्रा योजना में 1,00,000 करोड़ रुपया गरीबों को बांटा गया, 1,00,000 करोड़ रुपया। और सभापति महोदय किनको बांटा? जिनको बैंक अपने ऑफिस में खड़ा नहीं करते थे, वो गरीब जो बैंक के दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पाता था, यह कर्ज उन लोगों को दिया गया जिनके बैंक में गारंटर लेने वाले कोई नहीं थे, जमानतदार कोई नहीं थे, और न कोई जमानत लेगा, न उनको कर्ज मिलेगा, न सरकार कर्ज देंगी, कोई चीज गिरवी रखो। अब समाप्त कीजिए माननीय, यह गारंट सभापति महोदय, मैं तो अभी विश्व, ये मेरे पार्टी का समय है सभापति महोदय, सभापति महोदय मैं मेरे पार्टी के समय में ही बोलूंगा। नहीं, आप समाप्त कीजिए, 40 मिनट हो गए आपको माननीय सभापति महोदय, 40 मिनट सी ओके ये सभापति महोदय, यदि बात पूरी नहीं आएंगी, सभापति महोदय मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि देखिए बात छोटी सी है, बात छोटी सी है सभापति महोदय, मुद्रा योजना 5,000 का कर्ज, 10,000 का कर्ज, 15,000 का कर्ज, ये छोटे व्यवसायी हुनरबाज लोग, कोई ठेले पर फल बेचता है, कोई मोची की दुकान लगा के बैठा है, कोई टेलर की शॉप लगा के बैठा है, कोई मैकेनिक की दुकान डालकर बैठा है या डालना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, गरीब परिवार में है, बैंक बगैर गारंटी के पैसा नहीं देती, पहली बार 1,00,000 करोड़ रुपया बगैर गारंटी के इस देश के गरीबों को 2 करोड़ गरीबों में बटा है, शेष 25-1 लाख रुपया तो जो बड़ा लोन था वो गारंटी के माध्यम से बटा। माफ कीजिए, माफ हो गया। और सभापति महोदय, इस वर्ष फिर मुद्रा योजना में 1,80,00,000 रुपए उन्हीं गरीब वर्ग में जो रह गए हैं उनको देने का निर्णय इस बजट में किया गया है, जिससे लगभग 3 करोड़ जनता लाभान्वित होंगी। सभापति महोदय ये कह रहे थे कि रोजगार के अवसर नहीं है, ये 2 करोड़ लोगों को जो कर्ज मिला है ये कोई घी पीने के लिए लिया है कौन है? ये 3 करोड़ लोगों को जो कर्ज दिया जा रहा है अपना रोजगार डालने के लिए लिया है, चौहान साहब अपना काम खड़ा करने के लिए लिया है, करोड़ों लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से कर्ज देकर मोदी सरकार ने, जेटली जी ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। मैं इस मंच से सदन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत 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 बधाइयां देता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह देश के ग्रामीण विकास के लिए पहली बार सभापति महोदय,
मजबूर मत कीजिए, हो गया काम। दो तीन बातें सभापति महोदय, मैं मेरी तरफ से मेरे पार्टी के लोग कह रहे हैं, मेरे पार्टी को जितना समय नियत है उतना ही आप देना, उससे ज्यादा नहीं देना। ये पीछे वाले कह रहे हैं हमारा समय हम दे देंगे। बाकी और भी सदस्य हैं जिनको बोलना है, बाकी सदस्य हैं आपसे आग्रह है। माननीय सभापति महोदय, मैं 5-10 मिनट में बात करता हूँ सभापति महोदय। ये मैं शुरुआत कर रहा हूँ मेरे पार्टी की तरफ से। काइंडली कंक्लूड नाउ। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती है, ये देश मनाने जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती इस देश में जश्न के साथ मनाने का निर्णय इस सरकार ने किया है, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। और यही नहीं सभापति महोदय, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए वो 4-5 महत्वपूर्ण स्थान, जहां पर वो यहां अलीपुर रोड पर जिस मकान में वो रहते थे, सभापति महोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने वो मकान खरीद लिया ताकि देश की सरकार वहां पे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्मारक बनाएंगी। लेकिन यूपीए ने 10 साल तक अलीपुर के उस बंगले में झाड़ू भी नहीं लगवाई सभापति महोदय। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, जिसने देश का संविधान दिया। आप और हम जिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की बदौलत यहां बैठे हैं और बोल रहे हैं, उनकी उपेक्षा पूर्व सरकार ने जो किए हुए आपके साथ। समाप्त करें प्लीज। माननीय सभापति महोदय, चैत्य भूमि मुंबई 200 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बाबा साहब अंबेडकर का अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान, जिसका युद्ध स्तर पे निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने जहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिस मिट्टी में पैदा हुए सभापति महोदय, उस स्थान को, उनके जन्मस्थली को तीर्थ स्थली में बदल दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही कर सकती है, अन्य सरकार ने इस दिशा में कभी सोचा नहीं और प्रयत्न किया नहीं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूं कि आज हमारे सभापति महोदय, आखिरी बात कहके मांगी सब 2 मिनट सभापति बिलो लीडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु 2 मिनट। ये कहा जा रहा था कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया, ये सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं कहना चाहता हूँ मेरे सामने वाले लोगों से कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम मुझ पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये देश दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में उड़ान भरने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद।